चारधाम यात्रा को लेकर जहां सरकार एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरगेश्वर ने कहा है कि अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं, जिसको लेकर चारधाम मार्गों में इस बार अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीआरडी जवानों को भी यात्रा मार्गों पर तैनात किया जाएगा, ताकि तीर्थस्थलों पर जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और यात्रा शांतिपूर्वक सम्पन्न हो। इसके लिए पुलिस अभी से अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस बार भी हमने पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग भी कराया और हमारी रेंज लेवल पे भी मीटिंगें हुई है, तो हमारी तैयारी अब शुरू हो गया है, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद से यात्रा शुरू होगा। करीब 6 कंपनी पीएससी और भी सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस भी हम नियुक्त होंगे और उनको इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके ट्रेनिंग हो और पीआरडी के जवान को भी अभी ट्रेनिंग दे के इस पर नियुक्त कराएं।